नमस्कार भाई दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। आपने देखा भी होगा, मुद्दे कई आए कई गए। अभी संसद में एक बिल और पास हो रहा है, बैंकों का निजीकरण होगा। पहले भी आता लेकिन अब सब पूरा ही हो जाएगा। बोलना मत, खामोश रहना, मुद्दों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना ही आप बोलना चाहते। ये तरह तरह के प्रयोग करके देखते हैं, मतेवाड़ा वाला प्रयोग किया। हालांकि वो प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम का था, उस समय पर विरोध हुआ, अब फिर लेके आगे फिर विरोध होया, फिर कैंसिल कर दिया। बोल रहे हैं 3 कृषि कानून है, वो भी वापिस आएंगे। आप लोगों को उलझाया जा रहा है, मेन मुद्दों पर आप पहुंच ही नहीं पाते। जब तक आप मेन मुद्दों के उस पर जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं फिर उलझा दिया जाएगा और आप उलझ जाओगे। कहीं आप गायें बचाने निकलोगे, कहीं आप कुछ किसी चीज़ के ऊपर हंगामा करोगे, कहीं किसी चीज़ पर। मेन मुद्दे क्या हैं आपके, उस तक आप पहुँच ही नहीं पाते। यहाँ पर हर चीज़, एक चीज़ और मुबारक हो, जो ये भाई बैठे हुए ना आरक्षण वाले, आपका आरक्षण समाप्त हो गया है, मुबारक हो सभी को। आरक्षण नहीं मिलेगा अब तो, आरक्षण के भरोसे बैठे हैं। जिस तरीके से समाप्त किया ना, वो तरीका समझने में आपको कई साल लग जाएंगे, इतने अच्छे तरीके से समाप्त किया है। मुद्दा, नागपुर तक से बच्चे पैदल चले हुए हैं विरोध करने के लिए, कोई नहीं दिखाएगा उनको। असली मुद्दों पर अशोक स्तंभ को ही चेंज कर दिया, क्या करना आपको। जब आप अमर जवान ज्योति के नहीं, ये नहीं बोल सके थे, तो आपको अशोक स्तंभ का क्या करना है। सच्चाई यही है, कुछ नहीं करना आपको। आप जब तक आपकी गर्दन पे पैर नहीं आ जाता ना, तब तक आप लोग नहीं जगोगे। यहाँ हरियाणा और पंजाब में यूरिया के लिए किसानों को लट्ठों से पीटा गया था, यूरिया खाद नहीं मिला था। ध्यान आया, भूल गए कितने लठ खाए थे, यूरिया नहीं मिल पाया था। 44,000 टन यूरिया दे दिया श्रीलंका को, वो कहाँ से आ गया। हमारे किसानों के लिए यूरिया नहीं था, वहां देने के लिए यूरिया आ गया। कभी आपने सोचा इस बारे में नहीं, क्यों? क्योंकि फिलहाल किसान तो अभी गायों को बचाएंगे। किसानों को यह मुद्दा दे दिया गया, भटक गया आप मुद्दे से आराम से, और ज्यादा ये लगा, एक संयुक्त पंजाब की मुहिम ज्यादा सिर उठाने लगी, तो कहीं ना कहीं से इनकी सीढ़ी वायरल हो जाती है। क्या कोई भी भाई सोच का एक जवाब देना मेरे को, किसी की पर्सनल वीडियो वायरल हो सकती है? वो नेत्री है, वो बीजेपी की, शोषण करने वाला बीजेपी का, कैसे वायरल हो जाएगी? और कितने सालों से वे कर रहे होंगे, अचानक से कैसे वायरल होती है? जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा उठता है, तभी इनकी कोई ना कोई वीडियो आ जाती है सामने। कभी आपने सोचा है, वो वीडियो देखी क्या आपने? चलो दिखा देते हैं, यही है ना। दोनों बीजेपी के नेता और इनकी वीडियो वायरल होगी, कभी किसी ने सोचा है? सोचा कभी किसी ने क्यों वायरल हो रही है वीडियो? आपको मुद्दों से भटकाने के लिए वायरल हो रही है। आप लग जाना आप इन्हीं को वीडियो को वायरल करने के लिए, इन वीडियोज को वायरल करना, जो हकीकत में जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उनको भूल जाना आप। भूल गए आप, संयुक्त पंजाब का जो चल रहा था उसको भूल गए, आपके ऊपर जो लठ मारे जा रहे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, आप उनको भूल गए। लग गए आप नेता बनाने में, नए नए नेता चाहिए आपको, हर दिन एक नया नेता चाहिए। समस्या ये भी है, और ये समस्या नहीं है, ये आपकी रगों में भर दिया गया है, आपके दिमाग में, दिल में भर दिया गया है। हर दिन आपको एक नया मुद्दा चाहिए, हर दिन एक नया मुद्दा। कहाँ गए किसान के मुद्दे? क्या किसान कर्ज माफ हो गया? कमाल देखो आप, जिस विजय माल्या पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया, 4 महीने की सजा और 2,000 का जुर्माना, कहां से देगा वो गरीब आदमी 2,000 रुपये? कभी किसी ने सोचा है कितना गरीब है वो बेचारा, 2,000 रुपये देगा कहां से? ऐसे तो फिर सभी विजय माल्या ही बन जाओ, लो हजारों करोड़ का लोन लो और 4 महीने की सजा और 2,000 का जुर्माना है। क्या फैसले आते हैं हमारे कोर्टों के फैसले हैं ये, अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्या आदेश आया है? क्या सोच रहे हो आप? बड़े बड़े जो अपराधी है ना, कभी नहीं फंसेंगे, वो हमेशा बचेंगे, लेकिन आप जरूर फंसोगे कहीं ना कहीं गलती करके, और गलतियां आपसे करवाई जाएंगी आपसे गलतियां, और आप करोगे, गारंटी है इस चीज की, क्योंकि आपका मुद्दों पे ध्यान है ही नहीं। मिल गया MSP किसानों को, कर्ज माफ हो गया, C2+50 के आधार पर खरीद शुरू होगी। चलो फिर वोट दे दो, अब अपने किसान नेताओं को वोट दे दो, वो नेता बन जाएंगे। कभी सोचा आपने कि मुद्दों पे हमें कैसे आना है?
इस सोशल मीडिया के अंदर बहुत पावर होती है, लेकिन कभी यूज मत करना इसको ढंग से, क्योंकि ढंग से यूज करोगे आपके ऊपर बैन लगेगा। अरे बैन लगेगा फिर दोबारा फिर शुरू कर दो, लेकिन अपने मुद्दों को पकड़ के रखो। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, कोई मतलब ही नहीं हमें इन चीजों से। क्या करना हमारे को शिक्षा को? भारत हमारा पहला देश किताबों पर GST लगाने वाला, कमाल का देश है हमारा, और हम खुश हैं, हम खुश हैं, ऐसे ही खुश रहना भाई। आप रहो खुश, हम आवाज उठाते रहेंगे। किसी को सुनना है नहीं सुनना है, शेयर करता है अच्छी बात है, कोई दूसरों तक पहुंचाता है, लेकिन मुद्दों पे आ जाओ। मुद्दे जो है ना आपके, मुद्दों पे कायम रहो, आप कायम नहीं रह पाओगे मुद्दों पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप अपने मुद्दों से भटक रहे हो, आप अपना इतिहास तक भूल चुके हो, इतिहास तक भूल चुके आप, कहाँ तरक्की करोगे? वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपको नंबर का पता है, व्हाट्सएप नंबर है, जो साथ देना चाहता है 9518883630, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, फ़ोन कम ही करना भाई, नहीं उठा पाएंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अगर आपकी कोई बात है, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना भाई आपके मुद्दे क्या हैं, कमेंट करके बता देना। और कितनी सफाई से आपको भटकाया जा रहा है मुद्दों से, रहो भटकते। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।